ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मुरली के सार में बाबा कहे, हे आत्मा सजनिया जागो, अब कलयुगी रात पूरी हो, नव युग बनाने बाप आए हैं, मौत सामने खड़ा है, इसलिए एक बाप की याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश करो। फिर कहा, जिन बच्चों की सतो प्रधान बुद्धि होंगी, उनको सदैव आप समान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे, अर्थात दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, वह दिन रात सर्विस में बिजी रहेंगे। फिर बाबा कहे, बड़े ते बड़ा कारोबार है सारे विश्व की आत्माओं को एक बाप का परिचय देने का, कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए, रात दिन चिंतन चलता रहे, कैसे किसको समझाए शंख ध्वनि करे। और कहा, बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा में रहना है, इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर कहा, बाबा ने यह प्रदर्शनी आदि के चित्र दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं, इन चित्रों का बहुत कदर रखना है, रिगार्ड होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नव युग बनाने बाप आए हैं, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे, वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर में बाबा ने कहा, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है, कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए, रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए शंख ध्वनि करे। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया की आया। आज धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतु करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे ते अच्छे हैं, जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है, सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। बाबा कहते, याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।